कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खातून खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाकई में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, अब तक क्या कुछ सामने आ सका है, कैसे दाखिल हुई है खातून, धमाका खेज मवाद कैसे पहुँचा? देखिए, अब तक की इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, वो यही है कि खुदकुश धमाका जो खातून ने किया था, मुबीना खातून हमलावर जो थी, वो खातून हमलावर यहाँ पे खड़ी हुई थी। ये जिस जगह पे गाड़ी है इसके बिल्कुल साथ ही दरख्त है, दरख्त के साथ ही वो खड़ी हुई थी और उस दरख्त के पास वो वेट कर रही थी। उसने अपने जिस्म के साथ ही तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद लगा रखा था। मुमकिन तौर पर बेल्ट थी, उसमें बॉल बैरिंग भी थे। जैसे ही गाड़ी करीब आई है, मुकम्मल रैकी के साथ धमाका किया गया। इस खातून के साथ जो दहशतगर्द थी, खातून दहशतगर्द के साथ एक और भी इसकी साथी थी जो कि इसके साथ यहाँ पे आई थी। और यहाँ से कुछ आगे IBA गेट है, IBA की पूरी फैकल्टी, IBA के पूरे डिपार्टमेंट है, उस जाने पर चली गई थी। जब वो गाड़ी यहाँ पर आई है तो उससे अपने आप को धमाके से उड़ाया है। और जो मेरी BD से बात हुई, वो बताते हैं कि इसके हाथ में एक बटन दिया गया था उसमें, और ये इतना हाई एक्सप्लोजिव था कि इसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए और जो सर और दीगर अज़ा मिलते हैं खुदकुश हमलावर के, वो नहीं मिले। और ये जो हाई एक्सप्लोजिव था, इसकी वजह से ये हुआ कि खातून खुदकुश हमलावर के चीथड़े। बहुत शुक्रिया।